हेलो नमस्ते, मैं क्षितिज हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं सिरपुर के पास का धासकुंड वाटरफॉल। दोस्तों, आप लोग को सिरपुर और सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है ये तो पता होगा, पर क्या आप जानते हैं सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर से थोड़े आगे एक हिडन वाटरफॉल है। तो दोस्तों, इस हिडन वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर से आपको सीधे सीधे जाना है और सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर से सीधे सीधे जाने पे ये दो वाटर क्रॉसिंग ब्रिज आपको दिखेंगे। इन दोनों ब्रिज को पार करने के बाद आपको पहला राइट टर्न लेना है कच्चे रास्ते पे। और ये जो हिडन वाटरफॉल है वो अभी लास्ट के 3-4 साल में ही पॉपुलर हुआ है। तो इस कच्चे रास्ते पे जाने के बाद आपको पहला लेफ्ट टर्न लेना है। तो अगर आप इस वाटरफॉल तक अपने फैमिली के साथ कार में आना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस वाटरफॉल तक कार पहुंच तो जाती है पर उतने आराम से नहीं। तो यहाँ तक आने के बाद आपको स्लाइड राइट टर्न लेना है और फिर इस रास्ते में सीधे जाते जाते आपको राइट साइड पे धासकुंड वाटरफॉल का बोर्ड दिख जाएगा। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए रास्ते कच्चे और पथरीले हैं और पत्थर काफ़ी बड़े बड़े हैं। बीच बीच के जो पुल हैं वो भी टूटे हुए हैं, तो आपको अच्छी खासी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, पर एंड तक कार ज़रूर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, धासकुंड वाटरफॉल के स्पॉट पे पहुंच के हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। धासकुंड वाटरफॉल उस साइड है और यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट है, तो हम पहले वहाँ पे जाते हैं। इस वाटरफॉल में कुछ खाना पकाने के इरादे से आ रहे हैं तो आप इस साइड आइए। तो बाकी सारे वाटरफॉल्स की तरह ये वाटरफॉल भी बारिश में देखने लायक होता है और बाकी सीज़न में हल्का फुल्का पानी ही बहते रहता है। वीकेंड्स पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पे काफ़ी खाली स्पेस है जहाँ पे आप अपने सामान रख कर खाना पका के वहाँ बैठ के खा भी सकते हैं। दोस्तों, पिकनिक स्पॉट से वापस पार्किंग एरिया से सीधे जाने पे आपको मिल जाएगा धासकुंड वाटरफॉल। तो इस बोर्ड में यहाँ के कुछ हिस्ट्री और नियम लिखे गए हैं, जिसमें से एक नियम ये है कि यहाँ पर शाम 5 बजे से पहले आपको निकल जाना है। तो लोग यहाँ पे अक्सर अपनी फैमिली के साथ वीकेंड्स एंजॉय करने आते हैं, तो अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप मॉनसून में आइए, या घर बैठे बैठे आप बहुत ज़्यादा ही बोर हो गए तो किसी भी सीज़न पे आप आ सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत पानी तो ज़रूर मिल जाएगा। तो जो भी लोग सिरपुर के आसपास वाटरफॉल की बात करते हैं उनको सबसे पहले नाम याद आता है तुरतुरिया वाटरफॉल का। अब तक सिरपुर के पास का सबसे फेमस वाटरफॉल तुरतुरिया वाटरफॉल ही है, पर लक्ष्मण मंदिर से सबसे पास का वाटरफॉल अगर देखें तो धासकुंड वाटरफॉल ही है। तो ये वाटरफॉल लक्ष्मण मंदिर से आपको 9 से 10 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो अगर आप सिरपुर आ रहे हैं लक्ष्मण मंदिर देखने के लिए, उस मंदिर से थोड़े दूर जाने पे ही आपको ये वाटरफॉल मिल जाएगा, तो ये वाटरफॉल आप मिस मत कीजिए। तो अगर आप धासकुंड वाटरफॉल के टॉप तक चढ़ना चाहते हैं तो आप इस रास्ते से ऊपर तक जा सकते हैं। जैसा कि हर पहाड़ में होता है, तो इस पहाड़ में भी आपको पथरीले रास्ते ही मिलेंगे। आप चाहे तो चढ़ के इस वाटरफॉल के पूरे टॉप तक जा सकते हैं।
लोग पूरे ऊपर तक तो नहीं जाएंगे, पर जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ पे भी बैठ के आप इस वॉटरफॉल के व्यूज का मजा ले सकते हैं। फिजिक्स और साइंस लगा के चलना पड़ता है, बैलेंस बनाना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करना, ग्रिप बनाना। चल 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 तो मुझे नहीं पता इस थेरेपी को क्या बोलते हैं, हो सकता है इसे फिश स्पा बोलते होंगे या फिर शायद पेडिक्योर बोलते होंगे। तो इस वाटरफॉल में पैर डुबा के बैठने पे ये जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं वो आपको वही फील दे सकती हैं शायद। तो दोस्तों वीडियो से हटकर खुद आकर यहाँ पे इस वाटरफॉल को आप एक्सपीरियंस कीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।